वसंतराव देशपांडे यांच्या स्मरणार्थ दक्षिण मध्य विभागीय सांस्कृतिक केंद्र नागपूरतर्फे दरवर्षी डॉक्टर वसंतराव देशपांडे स्मृती संगीत महोत्सव आयोजित केला जातो. या उपक्रमाचे हे 31वे वर्ष आहे. वर्षानुवर्षाच्या या परंपरेनुसार हा सोहळा 28 ते 30 जुलै 2022 या कालावधीत दररोज सायंकाळी 6:30 वाजता डॉक्टर वसंतराव देशपांडे स्मृती सभागृह सिव्हिल लाईन्स नागपूर येथे होणार असल्याची माहिती डॉक्टर खिरवटकर यांनी दिली आहे. दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपूर की ओर से विदर्भ के तथा महाराष्ट्र के सुविख्यात गायक डॉक्टर वसंतराव जी देशपांडे इनकी स्मृति में हर साल एक बड़े संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है. 30 तारीख को उनकी पुण्यतिथि है. उस दिन को लेकर आजू बाजू में लेकर ऐसे 3 दिन का भव्य आयोजन केंद्र की ओर से हर साल किया जाता है. जो इस साल यह महोत्सव का 31वां साल है. इस साल यह महोत्सव 28, 29 और 30 जुलाई को रोज शाम को 6:30 बजे वसंतराव देशपांडे स्मृति सभागृह में सिविल लाइन्स नागपुर में यह महोत्सव का आयोजन केंद्र की ओर से किया जा रहा है. समारोह का उद्घाटन 28 तारीख को सुप्रसिद्ध विचारवंत कलाप्रेमी तथा वनराई के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश गांधी इनके हाथों से होगा. 6 बजे यह उद्घाटन समारोह होगा. केंद्र की ओर से उस दिन ज्येष्ठ साहित्यिक विदर्भ साहित्य संघ नागपुर के अध्यक्ष श्री मनोहर म्हैसाळकर जी को सम्मानित किया जाएगा. जैसा कि केंद्र की प्रथा है, हर कार्यक्रम में केंद्र द्वारा सीनियर आर्टिस्ट और ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है. उसी कड़ी में यह सम्मान होगा. डॉक्टर गिरीश गांधी जी के हाथों से उन्हें सम्मानित किया जाएगा. 28 तारीख को उद्घाटन समारोह में शहनाई वादन से कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें अभी इतने में ही चेन्नई स्थित श्री बल्लेश भजंत्री, इनको अभी पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है शहनाई वादन में. पंडित उस्ताद बिस्मिल्ला खाल जी के बाद में शहनाई वादन में पद्म पुरस्कार मिलने वाले वो पहले देश के कलाकार हैं. उनको आमंत्रित किया गया है. उनके शहनाई वादन से कार्यक्रम की शुरुआत होगी तथा उसके बाद दूसरी प्रस्तुति सुविख्यात गायिका मुंबई की डॉक्टर अश्विनी भिड़े देशपांडे, इनके शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति दी जाएगी. 29 जुलाई को जो शुरुआत का जो कार्यक्रम होगा, उसमें प्रमुख अतिथि के रूप में नागपुर PWD महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के चीफ इंजीनियर श्री दसपुती जी, श्री SD दसपुती जी प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे तथा वरिष्ठ गायक और संगीतकार श्री सदानंद पेंडसे, इनको उस दिन केंद्र की ओर से उनका सम्मान किया जाएगा. इस दिन 29 तारीख को 3 प्रस्तुतियाँ हैं. इसमें प्रथम प्रस्तुति पुणे की श्रीमती शमा भाटे तथा ग्रुप द्वारा, उनकी चमु जो है उनके द्वारा दी जाएगी कथक बैले के रूप में. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक नागपुर.